अल्लाह रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज हम बच्चों ज़ीरो के बारे में पढ़ेंगे, ज़ीरो द हीरो। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी होता है, उसके बास्केट में चार मैंगोज होते हैं। वो जंगल में जाता है और एक दरख्त के नीचे सो जाता है। बंदर बैठे होते हैं दरख्त के ऊपर, वो नीचे आते हैं और एक एक करके उसके सारे मैंगोज ले जाते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके बास्केट में कोई भी मैंगो नहीं होता, कोई भी आम नहीं होता। इसका मतलब है ज़ीरो मैंगो रह गए। तो ज़ीरो का मतलब होता है कुछ भी ना रहना। तो आपको समझ आ गई है, यानी जब हम कहेंगे ज़ीरो तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, खाली चार बास्केट में से चारों मैंगोज गायब हो गए, तो ज़ीरो कोई भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ज़ीरो को अगर माइनस करें तो बाकी क्या रहता है, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप तीन में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो जवाब तीन ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे इस गमले में सात फूल हैं और अगर आप इसमें से कुछ फूल भी ना तोड़ें तो वो सात के साथ ही रहेंगे। जैसे ये नौ बॉक्स पड़े हैं, तो अगर आप कोई बॉक्स भी ना उठाएं और ज़ीरो माइनस करें तो वो नौ बॉक्स ही रहेंगे। तो अब हम आपकी कुछ और मिसालें देखते हैं। जैसे टू माइनस ज़ीरो, तो आप सोच के बताएं टू में से ज़ीरो माइनस करें तो क्या जवाब आएगा। शाबाश, क्योंकि ज़ीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो टू माइनस टू ज़ीरो में का जवाब होगा टू। इसी तरह जिस नंबर से भी हम ज़ीरो माइनस करेंगे उसमें ना कोई ऐड होगा ना उसमें से कुछ जाएगा। सेवन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, शाबाश, ये सोच के बताएं। ये तो बहुत ही आसान है ज़ीरो का। सेवन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, शाबाश, सेवन। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, हाँ दिमाग थोड़ा सा अपना लड़ाई, अब तो आपको बहुत अच्छा मैथ्स आ गया हुआ है, शाबाश, क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो सिक्स माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू सिक्स, शाबाश, गुड। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं जो है एट माइनस ज़ीरो। तो एट माइनस ज़ीरो का क्या जवाब आएगा, शाबाश, सोचें अपने दिमाग से। जितना इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है उतना तेज़ उसका दिमाग होता है। तो खुद से करें शाबाश, ये हो गया एट माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू एट। तो ज़ीरो का मतलब होता है नो ऑब्जेक्ट, और जब आप कुछ भी किसी नो ऑब्जेक्ट तो माइनस या जमा करेंगे तो ना कोई ऐड होगा ना माइनस होगा। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो को ऐड करने से क्या मिलता है। तो ज़ीरो हैज़ नो प्रॉपर्टी, प्लस और माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द, जैसे ये आपने तीन चेरीज हैं, इनके अंदर ज़ीरो चेरी ऐड की तो आपकी तीन ही बचेगा। तो इसी तरह हम आपकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। चार प्लस ज़ीरो, हाँ जी, चार के अंदर ज़ीरो ऐड करें, नो वैल्यू, ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, तो क्या आएगा, शाबाश, तो चार ही आएगा, शाबाश। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं कि तीन जमा ज़ीरो, थ्री प्लस ज़ीरो, तो क्या आएगा, ज़ीरो हैज़ नो वैल्यू, सो देयर विल बी नो एडिशन, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तीन में ज़ीरो ऐड करने से जवाब आएगा तीन, शाबाश। इसी तरह अगर हम नाइन प्लस ज़ीरो करेंगे तो नाइन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो की तो अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका क्या जवाब आएगा, शाबाश, सोच के बताएं। हाँ, मुझे पता चल गया, ये आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। तो नाइन प्लस ज़ीरो का मतलब है नाइन, यानी ज़ीरो की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, तो जिस नंबर में भी जमा करेंगे वो नंबर उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो पाँच जमा ज़ीरो, फाइव प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, शाबाश, गुड। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, फाइव प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू फाइव, शाबाश। तो हमने अपनी ज़िंदगी में जो है वो मनफी चीज़ें निकालनी हैं और मुस्बत चीज़ों के लिए, ताकि जगह बन सके। हर बड़ा बंदा जो आपको इस वक्त कामयाब नज़र आता है वो ज़ीरो से ही, कुछ भी नहीं होता, जब मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसके औकात में बरकत डाल देता है। क्योंकि अल्लाह ताला का कहना है सूरह तलाक में, हर उस शख्स को जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा।
और गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो होता है जो उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पढ़ने लिखने की और अमल करने की तौफीक दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।